श्री शिवाय नमस्तु। जब किसी विशेष परिस्थिति में फंस जाए, जब आपको लगे कि ऐसी विषम परिस्थिति में हम फंसे हुए हैं, भगवान कोई रास्ता निकालिए, तो एक काम करना कि रविवार के दिन सूर्य नारायण भगवान को अर्घ देकर सोमवार के दिन उसी पात्र से शंकर को जल चढ़ाया जाए, तो जीवन में जो विघ्न आते हैं, तकलीफें आती हैं, रोग आता है, दुख आता है, कष्ट आता है, बीमारी आती है या कोई विशेष परेशानी आ जाती है, तो वो अर्घ का कलश ले जाकर उसको जब आप सूर्य को चढ़ा देंगे खाली हो जाएगा, उसी कलश को मांजना धोना नहीं, उसी को दूसरे दिन शिव जी पर ले जाकर उस जल को समर्पित कर देने पर फल की प्राप्ति। नमः शिवाय। आर्घिक कलश जैसे कुशा का चढ़ा हुआ जल, दाप मतलब एक घास आती है कुशा, जो तर्पण आदि के समय पर काम आती है, वो घास जैसी। उस कुशा का जल का वर्णन आपको देपालपुर की कथा में करा, उसका वर्णन तो उसी तरह जब कलश ताम्र पात्र का जल को जल चढ़ाया जाए, तो जीवन में जो विघ्न आते हैं, तकलीफें आती हैं, रोग आता है, दुख आता है, कष्ट आता है, बीमारी आती है, शिव जी पर ले जाकर जल को समर्पित कर देने पर फल की प्राप्ति।